कलर्स टीवी पर 13 फरवरी से रात 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पर इश्क में घायल शो दस्तक देने वाला है। पहली बार इस शो के जरिए कश्मीर महाजनी, ड्रीम शेख और करण कुंद्रा की तिकड़म धमाल मचाने आ रही है। शो के पहले कई प्रोमो मेकर्स ने जारी किए हैं जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। कश्मीर को भेड़िया के किरदार में और करण के वैम्प के किरदार की पहले ही झलक काफी बेमिसाल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस शो का सबसे महंगा स्टार कौन है? आखिर कश्मीर, करण और ड्रीम को कितनी फीस दी जा रही है सुपरनेचुरल शो के लिए? तो आपको बता दें कि इन तीनों ही स्टार्स की पर डे की फीस पर मेकर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट की माने तो शो की लीड हीरोइन यानी कि ड्रीम शेख को मेकर्स एक एपिसोड के लिए 80,000 से 90,000 की फीस दे रहे हैं। बात की जाए कश्मीर महाजनी की तो कश्मीर मराठी इंडस्ट्री के तो काफी बड़े एक्टर हैं ही, लेकिन इमली शो को करने के बाद हिंदी ऑडियंस के लिए कश्मीर एक बड़े स्टार के रूप में सामने आए हैं। खबरें हैं कि कश्मीर को मेकर्स एक एपिसोड के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं। वहीं करण को मिल रही है सबसे ज्यादा फीस। जी हां, खबरें सामने आई हैं कि करण कुंद्रा को इस शो में एक एपिसोड के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए फीस मिल रही है। और इसी के साथ करण इस शो के ही महंगे स्टार नहीं है बल्कि इंडस्ट्री के भी महंगे स्टारों में से एक बन चुके हैं। बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि इश्क में घायल शो के एपिसोड्स बहुत लिमिटेड होने वाले हैं। ये शो वीकेंड पर नहीं बल्कि सोमवार से बुधवार रात 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पर दस्तक देगा। यानी कि हफ्ते में महज 3 दिन ही ये शो टेलीकास्ट होने वाला है। और खबरें हैं कि शो के महज लिमिटेड एपिसोड्स ही होंगे और 3 से 4 महीने में ही शो का अंत हो जाएगा। 13 फरवरी से शो का पहला एपिसोड आने वाला है। हालांकि अब देखना ये है कि ये शो कैसे कमाल करता है।